प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से आज कई भर्तियों को लेकर हम जानकारी देंगे, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि पिछले कई दिनों से कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, तो भर्तियों के मामले में, प्रमोशंस के मामले में या विकास से जुड़े जितने भी मामले लटके हुए थे, उसमें अपडेट का इंतजार कई वर्गों की ओर से किया जा रहा है। और एक्शन मोड पर अब यहाँ क्योंकि सरकार आ गई है, कोड ऑफ कंडक्ट हटते ही किस तरह के फैसले हुए हैं, कहाँ आज ये मीटिंग हुई है, किस तरह के निर्देश मंत्रियों को, अन्य अधिकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात टीजीटी, जेबीटी, एनटीटी, इन सभी भर्तियों को लेकर करने वाले हैं। पहले ही दिन जो मीटिंग हुई है उसमें कई बड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि अधिकारियों को नए विधायकों की शपथ कब होगी ये भी बड़ा सवाल है, इस पर भी आज देखिए बिल्कुल डिस्कशन हुई है। और यहां सबसे बड़ी बात 1500 की राशि को लेकर भी हम करेंगे कि आखिरकार कब ये महिलाओं को दी जाएगी, क्योंकि पहले बड़े बड़े वायदे किए गए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले भी ये वादा तो हुआ था कांग्रेस की ओर से कि 1500 दिए जाएंगे, लेकिन तकरीबन 15 महीने बीत गए थे, राशि महिलाओं के खाते में अभी तक नहीं आई थी। फिर जब लोकसभा चुनावों का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त ये भी वादा मुख्यमंत्री ने किया कि बैक डेट से ही महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा, और ये 1 अप्रैल से ही महिलाओं के खाते में 1500 की राशि दी जाएगी, यानी कि जो पिछले महीनों की राशि है वो एक साथ इनके खाते में डाल दी जाएगी। तो अब इसके लिए तैयारी कैसी है ये बड़ा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि बारिश का पूर्व अनुमान बार बार मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, वो भी कुछ एक क्षेत्रों में ही। अभी शिमला सिटी की बात करें तो यहाँ जरूर कुछ एक क्षणों के लिए बूंदाबांदी हुई, लेकिन हल्की ही बारिश थी। इसके अलावा मेघ गरज रहे हैं, आंधी तूफान का सिलसिला यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बारिश उतनी ज़्यादा जोरदार नहीं है। पेयजल स्रोत कई सूख गए हैं, फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिसके लिए अच्छी बारिश का इंतजार यहाँ जरूर हो रहा है। देखिए, भाजपा में कई आरोप कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं कुछ एक पदाधिकारियों पर, और सबसे ज्यादा ये मामला गगरेट और सुजानपुर सीट पर देखने के लिए आ रहा है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि कुछ पदाधिकारी अपनी अच्छी छवि बनाए हुए हैं, इन्होंने अच्छे से अच्छी छवि अपनी बनाई हुई है बड़े नेताओं के सामने, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल भाजपा के सगे हैं, ईमानदार हैं अपनी सेवा के प्रति, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसके विपरीत इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। चुनावों के वक्त ऐसे ही पद अधिकारियों को ढूंढ निकाला जाए और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये स्वर केवल गगरेट में नहीं बल्कि देखिए सुजानपुर में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, अब इसके पीछे की कहानी भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले गगरेट विधानसभा क्षेत्र में चलना चाहेंगे, यहां पर किस तरह का वाकया सामने आया है। चैतन्य शर्मा जो कि पूर्व में कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन फिर क्रॉस वोटिंग करने के बाद इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, और भाजपा से ही इन्होंने अभी चुनाव भी लड़ा, चुनाव हार गए हैं, जिसके बाद इनके कार्यालय के बाहर कुछ एक कार्यकर्ता पहुंचे थे, काफी ज्यादा निराश थे, और कार्यकर्ताओं की ओर से ये कहा गया कि गगरेट में कुछ एक पदाधिकारी ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने विपरीत काम किया है, और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। हालांकि चैतन्य शर्मा ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए ये बात भी उनसे कही कि चलिए अब जो भी जनादेश आया है उसे वो दिल से स्वीकार करते हैं, जनता का फैसला है तो ठीक ही होगा, गगरेट के लोगों ने सोच समझकर ही ये फैसला लिया होगा, लेकिन जो हुआ सो हुआ, इसके बाद भी गगरेट के लोगों के साथ वो खड़े हैं। कोई भी समय आता है, अच्छा होगा बुरा होगा, कोई भी विकासात्मक कार्य करने की बात होगी तो उनकी ओर से जरूर वहां के मुद्दे आने वाले समय में भी उठाए जाएंगे, ये चैतन्य शर्मा की ओर से कहा गया है। और शीघ्र ही भाजपा मंडल की बैठक होगी जिसमें हार के कारणों पर भी मंथन किया जाएगा। लेकिन इस बीच कार्यकर्ता काफी ज्यादा निराश थे और आरोप लगा रहे थे कुछ एक पदाधिकारियों पर। अब आखिरकार ये पदाधिकारी कौन है, किन्हें बाहर निकालने की बात कार्यकर्ता कर रहे हैं, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। और ये बात सिर्फ गगरेट की नहीं सुजानपुर की भी है, क्योंकि वहां पर देखिए राजेंद्र राणा हार गए हैं। और हैरानी वाली बात ही ये है कि जब अनुराग ठाकुर इतने मतों से जीत सकते हैं लोकसभा सीट पर, तो आखिरकार उस कंस्टिट्यूएंसी से जहां धूमल भी कई बार चुनाव जीत चुके हैं, एक तरह से वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का भी गढ़ माना जाता था, और राजेंद्र राणा वहां से कैसे हार गए, सेम पार्टी के होने के बावजूद, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी थे राजेंद्र राणा, उसके बाद कैसे उन्हें वहां से जीत नहीं मिल पाई और सिर्फ 1200 वोट से ही वो रह गए हैं, तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अब भाजपाइयों ने ही वहां पर उनका साथ नहीं दिया। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो कि इतनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, एक तरह से भाजपा का गढ़ वो माना जा रहा था, तो वहां पर इतनी बड़ी हार का सामना कैसे राजेंद्र राणा को करना पड़ा।
भले ही 1200 वोटों से हारे हों, लेकिन उनकी ये हार वहां पर एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। बल्कि कुछ भाजपा नेताओं की ओर से, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें, डॉक्टर राजीव बिंदल की बात करें, तो बड़े बड़े दावे ये कर रहे थे कि इस सीट पर जरूर उन्हें जीत ही हासिल होने वाली है, लेकिन फिर भी हार मिली है। इसीलिए अब कार्यकर्ताओं की ओर से सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार कौन है जो कि इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है या धोखाधड़ी दगाबाजी पार्टी के साथ कर रहा है। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए और इस सवाल का जवाब हर कोई अभी सुनना चाहता है। हालांकि रिएक्शन अभी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की ओर से भी सामने नहीं आया है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो गया कि विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा हो, जबकि लोकसभा सीट की बात करें तो इतने मतों से अनुराग ठाकुर वहां पर जीत गए। देखिए, जो भाजपा के विधायक रणधीर शर्मा है, इनकी ओर से भी बड़े तंज कसे गए हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर और साथ ही साथ अन्य मंत्रियों पर। रणधीर शर्मा का ये कहना है कि अब जनता का मूड क्या है, स्पष्ट हो चुकी है ये स्थिति, जनता का रुख सिर्फ भाजपा की ओर ही है, क्योंकि मंत्रियों की भी जितनी कंस्टिट्यूएंसीज थी वहां से भी लीड कांग्रेस को नहीं मिल पाई, बल्कि लीड भाजपा को ही मिली है। स्टार प्रचारक भी आए, जिन क्षेत्रों में स्टार प्रचारकों की ओर से बड़ा प्रचार प्रसार किया गया वहां भी लीड भाजपा को ही मिली है। तो ऐसे में ना मुख्यमंत्री सुक्खू कुछ कर पाए, ना डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री कुछ कर पाए, अपने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में भी इनकी ओर से लीड नहीं मिल पाई है कांग्रेस को। तो ऐसे में जनता इनसे नाराज चल रही है, खुले तौर पर संकेत जनता ने दे दिए हैं। अब इन्हें समझ जाना चाहिए, जो झूठे वादे इनकी ओर से किए गए थे अब जनता उसे समझ चुकी है, गुमराह नहीं होने वाली है। इसलिए जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे ही वो मुख्यमंत्री का गृह विधानसभा क्षेत्र हो, डेप्यूटी सीएम का गृह विधानसभा क्षेत्र हो, या इसके अलावा मंत्रियों की जो कंस्टिट्यूएंसीज थी, सीपीएस जिन कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, वहां पर भी अगर ये लीड नहीं दिला पाए अपनी पार्टी को, तो दूसरे क्षेत्रों से तो फिर एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता है। अब यहां कांग्रेस सरकार को समझ जाना चाहिए कि वो कितने ही कार्य कर रहे हैं और लोग उनसे कितने ही खुश हैं। अभी भी उनके पास समय है, जो विकासात्मक कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं या लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, लोगों के कार्य जो बीच में रुके हुए हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। यह नाराजगी और ज्यादा नहीं तो आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी, इस तरह की नसीहत भी रणधीर शर्मा की ओर से दी गई है। अब देखिए, रवि ठाकुर पर आना चाहेंगे, लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि इनकी ओर से चुनाव लड़ा गया, भाजपा प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जमानत तक इनकी जब्त हो गई है। ये कल्पना भाजपाइयों ने नहीं की थी कि जमानत तक वहां पर जब्त हो जाएगी, लेकिन देखिए कैसी सिचुएशन सामने आ गई है। और कारण इसका यही माना जा रहा है कि जो क्रॉस वोटिंग इन्होंने की थी, उसी की नाराजगी कांग्रेस भाजपा के अलावा आम लोगों में भी देखने के लिए मिली है। कुछ एक भाजपा कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो पहले से ही विरोधी स्वर उठा रहे थे, जिनका ये कहना था कि जो क्रॉस वोटिंग कांग्रेस का होकर भाजपा में कर सकता है, कल तक भाजपा के साथ भी दगाबाजी हो सकती है। आम जनता भी कहीं ना कहीं इस फैक्टर से इंपैक्ट होती हुई नजर आई है, अफेक्ट होती हुई नजर आई है, इंपैक्ट इसका बिल्कुल पड़ा है। और देखा जा सकता है जमानत तक इनकी जब्त हो गई है, कुल मिलाकर इन्हें 3049 वोट ही पड़े हैं, जबकि इन्हें जमानत बचाने के लिए 3300 वोटों की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और दूसरे नंबर पर लाहौल स्पीति में डॉक्टर रामलाल मारकंडा रहे हैं, जो कि निर्दलीय उपचुनाव के लिए खड़े हो गए थे। हालांकि जीत जिन्होंने हासिल की है वो अनुराधा राणा है और ये कांग्रेस की उम्मीदवार थी। अनुराधा राणा की ओर से कई अब दावे भी किए जा रहे हैं कि एक एक वोट को वो याद रखने वाली है, एक एक वोट का सम्मान करेंगी, जो विकासात्मक कार्य हैं उन्हें गति मिलने वाली है, जो भी लाहौल स्पीति की समस्याएं हैं वो सबसे पहले सरकार के समक्ष रखेंगी, यही इनकी ओर से कोशिश रहने वाली है। अभी देखिए, 52 साल पहले की अगर बात करें तो 1972 में लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से लता ठाकुर को कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाया गया था। अब देखा जा सकता है ठीक 52 साल बाद फिर से महिला पर दाव खेला कांग्रेस ने और इसमें इन्हें कामयाबी भी मिल गई है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस्तीफा मांग लिया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से। नैतिकता के आधार पर इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, यह बयान इन्होंने आज फिर दिया है। पिछले कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से भी यह स्टेटमेंट दी गई थी और बात इनकी ओर से भी यही कही जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज सामने आई है या जिस हिसाब से लोगों ने वोटिंग की है वो भाजपा के पक्ष में ही हुई है। 68 विधानसभा क्षेत्र हैं तो 63 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के पक्ष में वोटिंग हुई है। अब ये कैसा रुख है जनता का, इसे पहचान लेना चाहिए कांग्रेस सरकार को। मुख्यमंत्री के बस में नहीं है कि वो लोगों के दिल जीत पाए कार्य करके, इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। झूठे वादे उन्होंने किए थे, 1500 की गारंटी एक बार फिर भुनाने की कोशिश की, लेकिन अब महिलाएं समझ चुकी थी कि सिर्फ प्रलोभन देने की कोशिश, चुनावी लाभ लेने के लिए इनकी ओर से ये दिया जा रहा है, ये लाभ ले लिया जा सके, चुनावी लाभ ये ले सके, इसलिए महज ये प्रलोभन दिया जा रहा है। ये बात महिला शक्ति जान गई थी और इस बार महिला शक्ति ने भी कड़ा जवाब एक तरह से वोटिंग करके भाजपा के पक्ष में कांग्रेस को दे दिया है। ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के शब्द हैं, आज इनकी ओर से ये स्टेटमेंट मंडी में दी गई है। अब देखिए, एचआरटीसी पेंशनर्स पर आना चाहेंगे, इनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही है। हमीरपुर में आज इनकी ओर से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें इनका कहना है कि ना तो डीए मिल रहा है, ना एरियर मिल रहा है,
ना ही इनके पे स्केल को रिवाइज किया जा रहा है। तो आखिरकार कब तक इन्हें इस तरह से इंतजार करना होगा? मेडिकल बिलों का भी भुगतान नहीं हो रहा है। जिन बुजुर्गों की उम्र 65-70-75 हो गई है, पेंशन वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसे में अपना एक एक दिन काटना इन्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे, चेतावनी इन्होंने सरकार को दे दी है। कोड ऑफ कंडक्ट हटते ही सबसे पहले पेंशनर्स की ओर से मीटिंग बुलाई गई है और चेतावनी भी इन्होंने सरकार को दे दी है कि अगर डीए एरियर और पे स्केल इनका रिवाइज नहीं किया जाता है तो बड़ा आंदोलन ये करने वाले हैं। अब देखिए 1500 पर आना चाहेंगे, क्योंकि भले ही इम्पैक्टफुल ना रहा हो ये फैक्टर इस बार, विधानसभा चुनावों के वक्त जब 1500 का जिक्र हुआ था तो खास इम्पैक्ट ही महिलाओं पर इसका देखने के लिए मिला था। अभी लोकसभा चुनावों के वक्त भी बार बार मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा था कि 1500 की राशि तो सबको मिलकर रहेगी ही, क्योंकि लाहौल स्पीति से पहले ही इसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि ये शुरुआत कर भी दी गई थी और फॉर्म भरने का सिलसिला भी एक दफा फिर शुरू हुआ था, लेकिन बीच में ही भाजपा की ओर से शिकायत की गई और फिर ये प्रोसेस रुकवाना पड़ा। उसके बाद फॉर्म फिल नहीं हो रहे थे। एक बात मुख्यमंत्री ने बार बार जो दोहराई है वो यही थी कि बैक डेट से इसका लाभ अब महिलाओं को मिलेगा। 1 अप्रैल से जब महिलाओं को राशि मिलनी थी तो 1 अप्रैल से ही मिलकर रहेगी। पिछले 2 महीनों की राशि एक साथ महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी, लेकिन अब ये कब होगा इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। खासतौर तब क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरह से मीटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी कि एक्शन मोड पर सरकार नजर आ रही है। बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा रहे हैं। आज भी बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम विभागों से जुड़े अधिकारी पहुंचे थे और इन्हें निर्देश जारी हुए हैं। जहां जहां काम लटके हुए थे उन्हें जल्द पूरा किया जाए, ये भी आदेश जारी हुए हैं। इस बीच जो 1500 वाला फैक्टर है, अब ये कब पूरा किया जाता है ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। और इस बार क्या फॉर्मूला तय किया जाता है ये भी हम देखेंगे। क्या बैक डेट से ही महिलाओं को लाभ मिलेगा, जो बार बार एक फैक्टर बीच में लेकर आ रही थी कांग्रेस की 1500 रुपये मिलेंगे, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर तो महिलाओं के खाते में 8500 रुपये आएंगे, ये यहाँ पर स्टार प्रचारक आए तो उनकी से भी कहा गया। 1500 का जिक्र मुख्यमंत्री सुक्खू ने हर जगह पर किया है, हर विधानसभा क्षेत्र में किया है। जहां जहां इनकी ओर से जनसभा संबोधित की गई वहां सबसे पहले शुरुआत ही इन्होंने 1500 से की है। तो क्या महिलाओं को अब यह लाभ मिलेगा? लाहौल स्पीति के बाद अन्य क्षेत्रों में यह राशि कब से महिलाओं को मिलनी शुरू होती है, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। कोड ऑफ कंडक्ट क्योंकि हट गया है और खासतौर पर अब क्योंकि बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो अब ये भी देखना होगा कि पहले 15 महीने का इंतजार करवाया गया है, अब की बार ये सरकार कितना इंतजार महिलाओं को करवाती है। देखिए हिमाचल प्रदेश स्टेट नर्सेज एसोसिएशन की ओर से एक शिकायत की गई है जिसमें इनका कहना है कि जो नर्सेज अधिकारी पहले से ही सेवानिवृत्त हो गई हैं उन्हें पुनः रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। अभी कई बड़े पद खाली हुए हैं, सीनियोरिटी के आधार पर ये भरे जाने चाहिए, लेकिन पुनः रोजगार देने की बात हो रही है, जिस पर नाराजगी इन्होंने व्यक्त की है। और आने वाले समय में सड़कों पर ये नर्सेज उतरेंगी अगर इनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है। इनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में असिस्टेंट डायरेक्टर नर्सिंग क्लिनिकल का एक पद अरसे से खाली चल रहा है, इसे सीनियोरिटी के आधार पर भरा जाना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर नर्सिंग का भी एक पद 31 मई 2024 को खाली हुआ है, यहाँ पुनः रोजगार देने के बजाय सीनियोरिटी के आधार पर इसे भरा जाए ताकि सभी को लाभ मिल सके। और हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रार का पद भी पिछले कुछ महीनों से खाली चल रहा है। ये नर्सिस एसोसिएशन की महासचिव और अध्यक्ष हैं, जो कि जिला अध्यक्ष भी इन्होंने बनाई हुई हैं, और यही नाराजगी व्यक्त कर रही हैं कि जैसे ही इनकी बारी आने वाली होती है पुनः रोजगार दिया जाता है सेवानिवृत्त नर्सिंग अधिकारियों को ही। तो ये अगर इन सेवानिवृत्त नर्स अधिकारियों को ही पुनः रोजगार बार बार देना है तो बाकी नर्सेस कहाँ जाएंगी? इनके वित्तीय लाभ इन्हें नहीं मिल पाएंगे, इन्हें प्रमोशन से वंचित रहना पड़ेगा। तमाम तरह की परेशानियां इन्होंने गिनवाई है। फिलहाल इसका कुछ होता है या नहीं ये भी हम देखेंगे। देखिए हाईकोर्ट से संबंधित एक जानकारी देना चाहेंगे। सूचना जारी की गई है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का स्क्रीनिंग टेस्ट शेड्यूल यहां सामने आ गया है, 8 जून 2024 को होगा हाई कोर्ट में। बाकी आप वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब देखिए चुनावों के बाद एक्शन में किस तरह से सरकार नजर आ रही है ये भी आपको अपडेट दे देते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी मंत्रियों के साथ आज लंबी देर तक बैठक ली है और इसमें ट्रैफिक को लेकर, सर्कुलर रोड्स को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। कैबिनेट कब होगी अब कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई है, ना ही कोई तिथि अभी तक निर्धारित हुई है कैबिनेट की, लेकिन इससे पहले एमएलएस की शपथ जरूर हो जाएगी, इस बात पर भी आज चर्चा हुई है। देखिए बैठक में जो बड़ा डिसीजन दिया गया है वो क्या है कि राज्य सरकार जाखू पहाड़ी के नीचे नवबहार पेट्रोल पंप के समीप से सर्कुलर रोड पर चिकित्सा महाविद्यालय शिमला तक 890 मीटर लंबी डबल लेन सुरंग का निर्माण करेगी। 295 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 100 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं और इस माह के अंत तक निविदा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये फैसला लगभग आज फाइनल हो चुका है।
ट्रैफिक क्योंकि बड़ी समस्या है और बहुत सारे लोग परेशान चल रहे हैं, तो इस पर भी आज बिल्कुल डिसीजन हुआ है। नए विधायकों की शपथ को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि विधानसभा सचिवालय और राज्य सरकार के बीच लंबी देर तक चर्चा हुई, तो 12 जून को ये विधायकों की शपथ हो सकती है जो कि अभी उपचुनावों की सीटों पर जीते हैं। 4 उसमें क्योंकि कांग्रेस पार्टी से विधायक जीते हैं और 2 बीजेपी से, तो इनकी शपथ जल्दी करवाना भी जरूरी है, क्योंकि विधानसभा सचिवालय का मत है कि तकरीबन 9 वैकेंसीज अभी क्रिएट हुई हैं, 3 निर्दलियों ने भी इस्तीफा दे दिया है, 6 ने पहले क्रॉस वोटिंग कर दी थी, इसके बाद जल्द से जल्द ये पद भरे जाने चाहिए, तो शपथ जल्दी हो जाएगी, उसके बाद विधानसभा में ये वैकेंसीज भी पूरी अपने आप हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। हालांकि अगर हम सुजानपुर से कांग्रेस विधायक कैप्टन रंजीत सिंह की बात करें तो शिमला पहुंच गए हैं और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से भी इन्होंने आज मुलाकात की है। अब अंत में बात करना चाहेंगे टीजीटी जेबीटी और एनटीटी भर्ती से जुड़ी। टीजीटी और जेबीटी बैच वाइज भर्तियों के लिए ये डिसाइड हो गया है और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने निर्देश भी अधिकारियों को जारी कर दिए हैं कि नियुक्ति इन्हें ऐसे स्कूलों में दी जाए जहां पर सिंगल टीचर हो या विदाउट टीचर ही कुछ एक स्कूल जो चल रहे हैं, एनरोलमेंट जहां पर काफी ज्यादा है लेकिन टीचर्स की संख्या कम है, या सिंगल टीचर से ही जो स्कूल चलाए जा रहे हैं वहीं सबसे पहले टीजीटी और जेबीटी बैच वाइज वाले शिक्षकों को नियुक्ति मिलने वाली है। दूसरी बात एनटीटी को लेकर करना चाहेंगे, 6500 के करीब क्योंकि इसमें पद भरे जाएंगे और निर्देश जारी कर दिए गए हैं संबंधित विभाग के अधिकारियों को कि इस पर जल्द से जल्द मेमोरेंडम तैयार कर दिया जाए कैबिनेट के लिए। तो ये बड़े डिसीजन हम कहना चाहेंगे शिक्षा विभाग में, क्योंकि भर्तियां लटकी हुई थी और टीजीटी जेबीटी ये बैच वाइज भर्तियों में सिर्फ नियुक्ति होना बाकी रह गया था, तो खास तौर पर निर्देश यहां पर जारी कर दिए गए हैं कि सिंगल टीचर वाले स्कूल्स में ही इन शिक्षकों की नियुक्ति होगी, या फिर जहां एनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा है विदाउट टीचर जो स्कूल चल रहे हैं स्टाफ बहुत कम है ऐसे स्कूल ढूंढे जाएंगे और ऐसे स्कूलों को चयनित करने के बाद इन्हें यहां पर नियुक्ति मिलने जा रही है। एनटीटी को लेकर भी बड़ी अपडेट खैर हम आपको दे ही चुके हैं, 6500 के करीब क्योंकि पद भरे जाने हैं और इसके लिए मेमोरेंडम तैयार किया जाए ये विभाग के अधिकारियों को कह दिया गया है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।